वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जयसवाल द फाइनेंस वीडियो फाइनेंस स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज के बारे में, जहां पे आपको 30 दिन का समय मिल जाता है और इसको दोस्तों आप अपने बैंक में भी ले सकते हैं। लेकिन इस एप्लीकेशन की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि पैन का आधार कार्ड तो चाहिए, साथ में आपको बैंक स्टेटमेंट या फिर नेट बैंकिंग से इनकम वेरीफाई करानी पड़ती है और मिनिमम इनकम आपकी 8,000 रुपये होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन से लिमिट ले सकते हैं। हालांकि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो मैंने आपको सैलरी ही शो किया है और लिमिट भी दोस्तों अच्छी खासी मिली है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपये की, जिसका मैं आपको बैंक ट्रांसफर भी यहाँ पर कर दिखाने वाला हूँ। इसका चार्जेस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा चार्जेस वगैरह नहीं है। तो चलते स्क्रीन की तरफ, प्रॉपर डिटेल्स आपको शेयर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, एक चीज़ का ध्यान ये रखना है, जब भी आप अकाउंट बनाएंगे सैलरी ही शो करना है, हालांकि बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, पैन का आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए और सैलरी ही चूज़ करिएगा। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स आपको शेयर कर देते हैं, इवन ट्रांसफर भी कर आपको दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जो स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं भाई फ्लेक्स पे पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। हालांकि अपने आपको सैलरी ही शो करना पड़ेगा अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं। मैक्सिमम लिमिट आपको 3 लाख रुपए की मिलती है, जिसको आप अपने बैंक में ले सकते हो। साथ में दोस्तों स्कैन टू पे फीचर भी अवेलेबल होता है, यानी कि क्यू आर कोड स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बाय नाउ पे लेटर की तरह काम करेगी, 3 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट मिलेगी और भैया आप इसे स्कैन करके जो है पेमेंट कर सकते हैं। 30 दिन का अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो लिमिट मिल रही है वो मिल रही है आपको RBI की तरफ से, वो है दोस्तों VB5 इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, बाकी इसका चार्जेस वगैरह ठीक ठाक हैं, ज़्यादा नहीं है, 1 महीने का समय है और QR कोड पे आप पेमेंट कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में भी आप इसको ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सबसे पहले वो जरा गौर फरमाएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, तनख्वाह भैया आपकी 8,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, तो आप इस एप्लीकेशन से इंस्टेंट लिमिट ले सकते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड और भैया नेट बैंकिंग से अपनी इनकम वेरीफाई यहाँ पर आपको करानी पड़ती है, यानी कि चाहे आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड अपना आपको शो करना है, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपनी अपलोड कर देनी है। आपको यहाँ पे वैसे गारंटेड लिमिट जो है प्रोवाइड हो जाती है, क्योंकि 8,000 रुपये तो कहीं ना कहीं से तो आपके खाते में आते ही होंगे, तो ये लोग उसको कैप्चर करके आपको लिमिट प्रोवाइड करा देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सबको ही मिल जाएंगे, अगर रेगुलर पेमेंट आती है पर्टिकुलर डेट्स पे या फिर आसपास तो आपको यहाँ पे लिमिट मिल सकती है। ठीक है जी, 8,000 रुपये से ऊपर ट्रांजेक्शन आपको शेयर करनी है जब भी आप अकाउंट बनाएंगे। तनख्वाह जो भी आपके अकाउंट में आ रही हो, जैसे 15 आती है, 20 आती है, 25 आती है, वो आप यहाँ पर शेयर करेंगे। तो पैन का आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट आपको देनी देनी है, नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई होगी, उसके बाद आपको लिमिट यहाँ पर मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आपको एप्लीकेशन ओपन कर भी दिखा देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। अब ये फ्लेक्स सैलरी है, फ्लेक्स पे और फ्लेक्स सैलरी एक ही कंपनी है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लेक्स सैलरी ही नज़र आएगा। अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको फ्लेक्स पे नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे टॉप पे फ्लेक्स पे लिखा हुआ है, हमारी लिमिट अवेलेबल है, सुमित जायसवाल नाम है, 29,795 रुपये। आज मैं इस लिमिट को निकालूंगा तो रिपेमेंट करनी पड़ेगी भाई 25,11 को। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रॉल कर सकते हैं इसको अपने बैंक में, यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल है और साथ में स्कैन टू पे फीचर भी अवेलेबल है, यानी कि हम स्कैन करके QR कोड से पैसे निकाल सकते हैं। बिल पेमेंट्स वगैरह भी आप यहाँ पर वैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको पैसा निकाल कर दिखाता हूँ, मैं एक अपना ही QR कोड जो है वो यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको भाई स्कैन टू पे फीचर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना दोस्तों QR कोड स्कैन कर लेते हैं। देखिए ये हटता रहता है और कभी कभी आ भी जाता है, नहीं तो बैंक में तो आप ले ही सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी ID आ गई है UPI की, मैं यहाँ पर आपको 500 रुपये डालकर दिखा देता हूँ और चार्जेस वगैरह भी आपको पता लग जाएंगे। ठीक है, तो भाई देखिए हम 500 रुपये यहाँ पर निकाल रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए ही मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम इस प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, OTP आएगा दोस्तों, वो हमें यहाँ पर फिल आउट करना है। तो चलिए OTP आ चुका है, 37451, एक बार डाल देता हूँ मैं इसको 51। ठीक है जी, तो प्रोसीड टू पे के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है, OTP हमने डाल दिया है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों समय लगेगा और यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो ट्रांजेक्शन है देखिए सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है जी, VB5 की तरफ से 500 रुपये हमारे अकाउंट में आ गए हैं। इसका चार्ज आप देख लीजिए, 510 रुपये की रिपेमेंट करनी है, तो 10 रुपये चार्ज लग रहा है, 25 तारीख तक मुझे यहाँ पर रिपेमेंट करनी है। तो भी इस प्रकार से आप इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, अपने अकाउंट में ले सकते हो या फिर QR कोड के थ्रू भी ले सकते हो।